डार्ट लैंग्वेज में मैप का यूज कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बता दें कि जो डार्ट लैंग्वेज मैप होता है वो केवल की और वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, और इसमें हम जो की और वैल्यू होते हैं वो हम इंटीजर स्ट्रिंग दोनों में ले सकते हैं या जैसे भी हम चाहते हैं उसे ले सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक की और वैल्यू प्रिंट होगा, वन जो हमारा है, 1 2 3 वो की है और ए बी सी है वो हमारा क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे केवल इंटीजर स्ट्रिंग में दे सकते हैं और चाहे तो हम केवल स्ट्रिंग में दे सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे हम केवल हम स्ट्रिंग देंगे, दोनों में की भी स्ट्रिंग लेंगे और वैल्यू भी स्ट्रिंग लेंगे। देखिए हमने की और जो है वैल्यू दोनों में क्या की स्ट्रिंग लिया है, तो आप देख सकते हैं की वन की टू की थ्री आपको ये मिल जाएगा और वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री ये मिल जाएगा। तो इसके सारे एट्रीब्यूट का आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम केवल इंटीजर ले सकते हैं, मतलब इंटीजर में की रहेगा और इंटीजर में ही वैल्यू रहेगा। यहाँ पे जो मैप करने दो आपको पैरामीटर मिलेंगे, एक होगा आपका की और वैल्यू, हम दोनों में क्या करेंगे यहाँ पे इंटीजर और जो दोनों में क्या है हमारे पास कि दोनों में इंटीजर ही है, जो की और वैल्यू है, यानी कि की भी इंटीजर है और वैल्यू भी इंटीजर है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट को यहाँ पे हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैप के अंदर मैं जो बनाया हूँ इसके 1 2 3 करके मैं एलिमेंट को डाल दे रहा हूँ, तो जब भी जो प्रिंट होगा अभी जब प्रिंट करूँगा इसको मैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जैसे मैप को मैं प्रिंट करूँगा वैसे ही हमको यहाँ पे 1 2 3 हमको तीनों मिल जाएंगे प्रिंट होकर यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ और मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, और नीचे और मैं कमेंट कर दिया हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमको यहाँ पे की वैल्यू में 1 2 3 मिल गया। तो इधर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैप का यूज़ कर सकते हैं की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसके और भी सारे एट्रीब्यूट हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं।